नमस्कार दोस्तों, आज 27 मई 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, आज दिल्ली में सुबह से ही तड़के से सुबह 4 बजे भोर से ही बरसात थी और इतनी जोर बरसात आई मोटी बूंद के साथ अफलातून बरसात बढ़िया वाली तबले की थाप पर, और अब भी लगातार बरसात चली हुई है। यहाँ पर अच्छी बरसात है, मंडी में कई जगह बहुत ज़्यादा पानी भर गया। चलिए जान लेंगे आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है। भाई साहब के पास जो टमाटर आए, भाई साहब भी आ तो क्रेटे लगा के तरपाले लगा के सारे आड़ती आज ऐसे ही बैठे। पहले भी कौन सा इसके सोने की मोहरें मिल रही थी बांटने में, पर यह तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी जी। पहले भी इसका कुछ नहीं मिल रहा था जी, और अब भी जो है कुछ नहीं है जी। आज तो जमी सारे के सारे यही रोना रोएंगे बरसात का, पहले भी यही था, पहले मंदे का कभी गर्मी का। और टमाटर की क्वालिटी दोस्तों, सेब को भी फैल कर जाए, सेब को इतने शानदार टमाटर खाने में बढ़िया, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो लंबे वाला, सबका जो है 25 किलो का टमाटर का रेट है। नमस्कार भाई साहब जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार मेरे मालिक, नमस्कार मेरी सरकार। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी हो रही जी? आप मौसम का आज बताओ कि अपने व्यापारी भाइयों को कि मौसम का हालात देखो कितना बुरा हालात है। हाँ जी, और मौसम के अंदर झमाझम बारिश लगी हुई है, सवेरे 5 बजे के यहाँ से खड़े हुए। हाँ जी, और ग्राहकों की इंतजार कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आए टमाटर लेके। छतरी लेके आया था सुबह से ही, मंडी में जब आया तो 1 घंटा ऐसे ही बैठना पड़ गया। जी जी जी, किसान भाइयों के लिए बड़ी परेशानी वाली सबब हो रखा है, हमारे लिए भी बड़ा परेशानी वाला सबब है। टमाटर बिक नहीं रहे हैं, गाड़ियों में माल लेकर ये खड़े हुए और कस्टमर लेने वाला कोई है नहीं। साहब क्या जमाना का भी है, 100 रुपए भी बिकता है जी, क्या 100 रुपए का खुला किसानों का माल, 100 रुपए किलो भी बिकता है। हाँ पिछले साल यही टमाटर 800-900 हजार रुपए का था। देखो इसकी वैरायटी क्या जबरदस्त, हिम सोना टमाटर बोलते हैं, पिछले पत्थर भर का टमाटर है बिल्कुल पत्थर। राणा साहब पिछले साल यही दिन थे टमाटर 700-800-900 हजार की क्रेडिट चल रही थी, और आज देख लो यही 100 रुपए का कह रहे हैं कस्टमर। ये कस्टमर खड़े हैं हमारे। हाँ जी, ये भाई साहब दिखाओ, ये हमारे दो दो ग्राहक खड़े हुए 100 रुपए का, इनको कह रहे हैं 100 रुपए का टमाटर ले ले, कह रहे हैं ऐसे बारिश में टमाटर लेके कहाँ जाए। और हाइब्रिड कैसे क्या रेट है जी आज का? हाइब्रिड का भी रेट 100 रुपए खुला जी, खुला 100 रुपए का। आप किसी मर्जी आड़ती के पास जाओ, 100 रुपए का आपको रेट बताएगा और आपको हाथ जोड़ेगा भाई साहब टमाटर ले लो कि भाई टमाटर हमारा बिक जाए, लेकिन टमाटर बिकने को तैयार नहीं हो रहा। टमाटर कह रहा है टमाटर बिचो कैसे, पहले भी कुछ नहीं रहा था पर आज बरसात का एक और बहाना मिल जाएगा। मेन मान तो बहाना बारिश से ही हो गया कि बारिश के अंदर टमाटर दे किसको। अच्छा जी, जिस कस्टमर को कह रहे हैं टमाटर ले लो, नेट देख के कह रहा पूरे दिन की बारिश है, कहां जाए। कल की भी दिखाई जी दिल्ली आजादपुर मंडी में जी, बारिश उनके लिए नहीं हो रही, बारिश तो हमारे लिए हो रही है, हमारे किसानों के लिए हो रही है, जिनका टमाटर तोड़ने के बाद 40 रुपए काटा का भाड़ा लगा के 10 रुपए मजदूरी मार्केट फीस लगा करके उसके बेचारे को 100 रुपए के पैसे 80 रुपए के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सेब को भी फेल कर रहा है, सेब को फेल कर रहा है। टमाटर इतना डिलीशियस टमाटर हो चुका है मार्केट में, इतने बढ़िया बढ़िया टमाटर है और कस्टमर लेने का तैयार नहीं हो रहा। अब हम ये समझ नहीं पा रहे कि आपने किस तरीके से किस तरह की सारी तो नहीं क्लियर होगी भाई, जैसे भाई साहब लोगों ने टमाटर उतारना ही नहीं शुरू किया। देखो ना ये देखो, ये दो दो गाड़ियां भाई साहब कैमरा करके सारे, वो देखिए वो गाड़ी बिल्कुल बंद खड़ी है, देखिए हमारी गाड़ी, ये देखिए पीछे दो गाड़ियां और आप मंडी में जाकर के देखेंगे कराक टमाटर उतारने उतर नहीं रहा है लोगों का। उतार के भी क्या करेंगे गाड़ी में, ठीक है सर, गाड़ी में वो नहीं, इसीलिए होता है कि कोई कस्टमर आता है वो कहता है ताजा टमाटर है, उतार करके नीचे लगा देते हैं, कस्टमर कहता है बासी टमाटर पड़ा होगा। बरसात तो दिल्ली के लिए जहर है जी, दिल्ली मंडी के लिए, तो दिल्ली मंडी के लिए क्या भाई साहब, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए जहर का ही काम कर रही है। तो जो फ्रूट के व्यापारी है ना, हाँ जी, सबसे ज्यादा वो मारे जाएंगे। मौनीश फ्रूट का भी गाड़ी 10-10, 12-12, 15-15 लाख की होती है, और मुर्गी को जैसे उसका ताग होता है ना सुई का जी, उनके लिए वो भी बहुत है जी। बिल्कुल, जब जाते हैं उनके 5-5, 7-7 लाख ऐसे उड़ जाते हैं। अब 5 बजे से लेके टाइम हो गया 8, 8:30, 9 बज गए हैं। हाँ जी, और लगातार बारिश हवाजम बरसे जा रही है, रुक रही नहीं है, कोई रुके कोई कस्टमर मार्केट में आए, कस्टमर से 100 रुपए का मांग रहे, कोई 80 का वो मांगे, 90 का हम दे, किसानों को कोई समझा बुझा करके माल बेचे। हाँ तो समझ लो गन्ना, सुगरकेन, गन्ना, नारियल, तरबूज, खरबूजा, सबके बुरे हालात हो जाएंगे, बुरा हाल तो। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये टमाटर बारिश जो है गांव में हो गई तेज और कुछ 50% 40% टमाटर खराब हो गया, इतनी बरसात जो इतनी बरसात खेत में हो जाए, टमाटर में खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो वही तो, एक घंटा पहले सुबह वो जो 5 से लेकर 6 तक की बरसात पड़ी है, घंटे बहुत देर बारिश थी, उतनी बरसात में खेत में पूरे भर जाएंगे जी। अब मैं को अभी लड़वे फोन मारते हैं क्या हालात है किसानों से पूछ रही है। दोस्तों यदि आपके इलाके में भी बरसात हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, सच में बताना कि कितनी बरसात हुई, कैसी बरसात है। दिल्ली में बरसात बहुत ज्यादा है, पूरी मोटी बूंद के साथ 1 घंटा जो सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक हुई,
तूफान के साथ बरसात हुई, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर 98-111-63-748, नाम दीपक ढिगरा, फर्म का नाम अशोक कुमार सुभाष चंद्र। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। किसान भाई आपको राम राम। आप अपनी एक बात और कहता हूँ, राणा साहब की ड्यूटी देखो, झमाझम बारिश के अंदर अपनी मेहनत करते हुए अपनी ड्यूटी को कैसे बखूबी अदा करना पड़ेगा जी। फिर रिपोर्ट भी जरूरी है। देखो ना, मैं कह तो रहा हूँ, राणा साहब को कितनी सल्यूट है इस बात के लिए कि इतनी बारिश के अंदर, झमाझम बारिश के अंदर लगातार छतरी लेकर के मंडी के अंदर भयंकर कीचड़ के अंदर, जिसके अंदर एक कदम नहीं चला जाता, लगातार पैदल वहां से लेके पूरी मंडी का मुआयना करते हैं। अभी फ्रूट मंडी जाना पड़ेगा जी। बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सब किसान भाइयों को। धन्यवाद।